पर आप लोगों ने RSI इंडिकेटर के बारे में तो अभी तक बहुत कुछ सुन लिया होगा, पर आज इस वीडियो में आपको RSI की एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिलने वाली है जो आपने इंटरनेट पर पहले कभी नहीं देखी होगी। एक ऐसी स्ट्रैटेजी आपको लगेगा यार ये चीज पहले क्यों नहीं पता थी मुझे। तो आज स्ट्रेट अवे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करने वाले हैं हम उस स्ट्रैटेजी के साथ। ये स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे इंप्लीमेंट करनी है, कब करनी है, इसमें आपको कैसे पैसा बनेगा, सारी चीजें आपको मिलने वाली है। बट एक चीज है, एक छोटी सी नाराजगी है कि जो कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल रहा है ना, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि अगर आप इनफैक्ट पैसे भी देंगे ना तो आपको इस तरीके की चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखने को नहीं मिलती हैं। हमें आपसे सिर्फ ये चाहिए कि आप इन वीडियोस को आप सिर्फ अपने तक मत रखिए, इन्हें शेयर भी कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो। वरना बहुत आसान होता है कि हम इन स्ट्रैटेजीज को पैकेज करें और लोगों को बोले भाई इसके लिए पैसे दीजिए, और वही चीज जब फ्री में मिलती है तो लोग वैल्यू नहीं करते। बस ये एक छोटी सी नाराजगी है। तो आप लोग शेयर कीजिएगा अगर आपको स्ट्रैटेजीज अच्छी लगती हैं, कंटेंट अच्छा लगता है, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए लगातार एक अच्छा कंटेंट हम बनाते रहें और आपको मैक्सिमम नॉलेज मिलती रहे, वो भी फ्री में। सो हमारे इस इनिशिएटिव में हमारी हेल्प कीजिए। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो से। डेफिनेटली, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो चलिए RSI की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें एक इंडिकेटर लगाना होगा जिसका नाम है RSI डाइवर्जेंस। कैसे लगाना है अभी मैं आपको चार्ट्स के ऊपर बताने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग टाइम फ्रेम कौन सा यूज करेंगे, या तो 5 मिनट या फिर 15 मिनट। ध्यान रखना कि आप 15 मिनट से अगर ऊपर जाते हो तो आप सीधा 1 डे पे जंप करो, आप 1 आवर और 30 मिनट्स के ऊपर जंप नहीं करेंगे यहाँ पे। उसका रीजन क्या है, जो हमारे मार्केट टाइमिंग्स है ना वो 9:15 बजे स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 30 मिनट्स का चार्ट लेंगे ना तो 9:15 से 9:45 प्लॉट करता है, और कभी कभार ऐसी स्ट्रैटेजीज के अंदर ऐसे टाइम फ्रेम लेने से दिक्कत आ जाती है। तो हमेशा हमें एक स्टेबल टाइम फ्रेम चाहिए। अगर हम यहाँ पे 5 मिनट लेते तो हर 5-5 मिनट में कैंडल बनेगी, और अगर हम 15 मिनट लेते तो हर 15-15 मिनट में बनेगी, जो कि एक यूनिफॉर्म टाइम हो जाता है मार्केट के लिए। अभी यहाँ पर बस एक चीज इंपॉर्टेंट है, हम RSI की बात कर रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की, बट हम नॉर्मल RSI इंडिकेटर को यूज नहीं कर रहे हैं। इंडिकेटर डिफरेंट है। तो पहली चीज तो यहाँ पे नोट करनी है कि जो ये स्ट्रैटेजी है RSI की एक स्ट्रैटेजी है, बट इसमें जो इंडिकेटर यूज होगा वो उसका नाम है RSI डाइवर्जेंस, नॉट RSI, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, टाइम फ्रेम जो है या तो 5 मिनट या 15 मिनट। तो इन्होंने आपको लॉजिक बता दिया कि भी 30 मिनट का क्यों नहीं लेना, कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सो अभी हम डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं और स्ट्रैटेजी को भी वहीं पे समझेंगे, और सबसे पहले RSI इंडिकेटर लगाना सीखते हैं हम लोग। ओके गाइस, सो अभी हम लोग यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर आ गए हैं। सबसे पहले आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है RSI डाइवर्जेंस। सो आपको यहाँ पे टेक्निकल्स में दिख रहा होगा RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर, राइट। आपको इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है और ये इंडिकेटर यहाँ पे नीचे लग जाएगा। अब इस इंडिकेटर की खास बात क्या है, यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, ये सीधा आपको मार्क करके दे देगा कि यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस है या फिर यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है, बुल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिली है, और ये कैंडल की क्लोजिंग पर आएगा। तो जब कैंडल क्लोज होगी उसके बाद ये बोलेगा कि यहाँ से आप बाय कर सकते हो, बट ये इंडिकेटर है। तो पहले ही मैं बोल देता हूँ क्योंकि लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, ये तो सीधा बाइंग सिग्नल दे रहा है, यहाँ पर बाय कर लेते हैं, यहाँ पे सेल कर लेते हैं। सो अभी ये हाफ नॉलेज है, तो हाफ नॉलेज बहुत डेंजरस होती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि बस ये इंडिकेटर लगा और काम खत्म हो गया। सो स्ट्रैटेजी क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने कि यहाँ पे अपने आप आपको बाय और सेल सिग्नल दिख जाते हैं कंटिन्यू। चलिए, सो जैसा कि आपको सर ने बताया कि आपको जल्दी नहीं करनी है, आपको पहले पूरा सुनना है यहाँ पे। तो जैसा कि यहाँ पे सर ने बताया था आपको कि ये क्लोज पे प्लॉट होता है। देखो, प्राइस के ना 4 कंपोनेंट होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोज, बिकॉज आपने देखा होगा जितने भी इंडिकेटर्स हैं हमारे पास वो सबके सब क्लोज के ऊपर प्लॉट होते हैं। अगर आपको देखना है कि कैसे क्लोज के ऊपर प्लॉट हो रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हो 14 के बाद क्लोज लिखा हुआ है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लोज प्राइस की, कहाँ पे वो क्लोज कर रहा है। सो चलिए अभी हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी को सीखते हैं। अब आपको क्या करना है, जब आप ये इंडिकेटर लगा लेंगे और आपको एक सिग्नल फाइंड करना है यहाँ पे, जैसा कि मेरे को यहाँ पे बुलिश सिग्नल दिख रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये वाली रेड कैंडल है, इसके ऊपर मेरे को ये बुलिश सिग्नल मिला है, इस रेड कैंडल ने हमें डाइवर्जेंस दी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो रेड कैंडल है ना, इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने इसके क्लोज के ऊपर क्लोज की है। तो जिस कैंडल ने आपको डाइवर्जेंस दी है ना, उसके क्लोज के ऊपर आप एक लाइन प्लॉट करोगे। सो यहाँ पे लाइन कैसे प्लॉट करोगे, मैंने यहाँ से हॉरिजॉन्टल रे ली और ये जो रेड लाइन है इसके क्लोज पे मैंने यहाँ पे ये लाइन को प्लॉट कर दिया। सो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। आई होप यहाँ पे आपको अच्छे से लाइन दिख रही होगी।
तो चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें बस यहाँ पे वेट करना है। लाइन बन गई हमारी, अब हम आगे का वेट करेंगे कि इस लाइन के नीचे आके कोई भी कैंडल क्लोज करे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस रेड कैंडल ने इस लाइन के नीचे आके क्लोज किया है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि इस रेड कैंडल के बाद जो भी ग्रीन कैंडल, पहली ग्रीन कैंडल इस लाइन से ऊपर क्लोज करेगी, वहां पे हम बाय करने को देखेंगे। बहुत सिंपल है। और SLB बता दो, SLB बता देता हूं। यहां पे ना एक छोटी सी ट्रिक है, वो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ये ट्रिक ना आपको इंटरनेट पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी और आज तक किसी ने रिवील भी नहीं करी होगी। सो यहां पे देखिए, ये हमारा पहला मार्किंग पॉइंट था जहां से हमने मार्क किया था। अब आप देखो इस रेड कैंडल का क्या लो ब्रेक हो रहा है। यहां पे आप लोग फाइंड कीजिए क्या रेड कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है। यस, हो रहा है। तो जब इसके नीचे जो रेड कैंडल क्लोज करेगी ना, जो मैंने यहां पे मार्क किया है, इसका भी लो ब्रेक होना चाहिए इस लाइन के ऊपर क्लोज होने से पहले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस रेड कैंडल का भी लो यहां पे ब्रेक हो रहा है बाय दी ग्रीन कैंडल। तो ये जो क्लोज आएगा ना, यहां पे मैं कंफर्म हो गया कि मेरे लिए एक अच्छा रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सो आई होप यहां पे आपको अच्छे से क्लियर हुआ कि मेरी स्ट्रैटेजी यहां पे क्या रहने वाली है। सो अब इस पॉइंट के ऊपर मैं बाय करने को देखूंगा। सो मैं यहां पे मार्क कर देता हूं आपके लिए बाइंग पॉइंट। सो इस कैंडल ने हमारी लाइन के ऊपर क्लोज किया। सो बस मैं यहां पे मार्क करने के लिए, अब इसको यहां पे मैं इसको बाय करने के लिए देखूंगा आपका SL क्या रहेगा। देखिए यहां पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से आपका SL मार्क कर रहा हूं। ये जो आपका लो था ना, जो आपका लोएस्ट पॉइंट था, जस्ट उससे थोड़ा सा बफर देके 0.1% का आप SL रख सकते हैं। सो मैं इसको यहां पे रेड से मार्क कर देता हूं ताकि आपको SL की क्लैरिटी आ जाए। ओके, सो चलिए आपको बाय करना भी पता चल गया कि कहां पे बाय करना है और आपका SL क्या होने वाला है, ये भी आपको पता चल गया। तो चलिए अब हम टारगेट देखते हैं। सो टारगेट निकालने के लिए ना सबसे सिंपल वे क्या है, आप 1:2 ले लो पहला टारगेट। सबसे सिंपल वे है 1:2। तो यहां पे मैं मार्क कर देता हूं 1:2। सो यहां पे हमारी बाइंग एंट्री बन रही है इस पॉइंट के ऊपर और यहां पे हमारा SL है। सो यहां पे मैं 1:2 का टारगेट ले लेता हूं। देखिए गाइस, 1:2 तो यहां पे बहुत इजीली अचीव हुआ है, बट कई लोग ऐसे होते हैं जिनका पेट नहीं भरता 1:2 में, हमें ज्यादा टारगेट चाहिए। जैसे मेरे को खुद को ज्यादा टारगेट चाहिए, तो मैं टेक्निकल टारगेट्स का यूज करूंगा यहां पे। सो गाइस, यहां पे टेक्निकल टारगेट निकालने के लिए आप देखिए ये ट्रेंड कहां से गिरना शुरू हुआ। सो इस पॉइंट से जब प्राइस नीचे आया तब इसने डाइवर्जेंस का सिग्नल दिया हमें। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट था ना, इसका हाई पॉइंट, इसी को हम अपना मेजर टारगेट रख सकते हैं। सो ये हमारा मेजर टारगेट रहने वाला है। सो आई गेस यहां पे आपको स्टॉप लॉस भी मिल गया, आपका टारगेट भी मिल गया। अगर 1:2 में पेट नहीं भरता तो अब हम यहां पे टेक्निकल टारगेट के लिए भी जा सकते हैं जहां पे हम पूरा स्विंग कवर कर सकते हैं। सो आपने सुना होगा ना, जिस तरह से लोग बोलते हैं कि लेवल्स हैं मार्केट में, कुछ लेवल्स हैं, तो वो लेवल्स कुछ इस तरह से भी काम करते हैं। राइट, इसी तरीके से जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे हमारी बाइंग सिग्नल है, तो यहाँ पे बुल आपको साइन दिख रहा है, इसी तरीके से आपको सेलिंग का भी इंडिकेशन कैसे आएगा वो भी दिखाते हैं यहाँ पे, देखिए। ओके गाइस, तो अभी हमने बुलिश सिग्नल तो देख लिया, अब हम देखेंगे यहाँ पे बेरिश सिग्नल। सो सबसे पहले आप फाइंड कीजिए कौन सी कैंडल पे आपको बेयर का सिग्नल मिला है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्रीन कैंडल के ऊपर आपको एक बेरिश सिग्नल दिखाया है इंडिकेटर ने। सो अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके क्लोज के प्राइस के ऊपर हम एक लाइन पुट करेंगे। सो यहां पे मैं जाऊंगा, अब यहां पे मैं एक हॉरिजॉन्टल रे ले लूंगा और इसके क्लोज के ऊपर मैंने बस इसको पुट कर दिया। अब यहां पे मैं वेट करूंगा कि इस क्लोज के प्राइस के ऊपर आके कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज करे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे इस ग्रीन कैंडल ने इस क्लोज प्राइस के ऊपर आके क्लोज किया। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेट करना है कि कोई भी रेड कैंडल आके इस लाइन के नीचे क्लोज कर जाए, बस वही हमारे लिए यहां पे सेल सिग्नल होगा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इस रेड कैंडल ने आके यहां पे इस लाइन के नीचे क्लोज किया है, बस इस रेड कैंडल की क्लोजिंग पे हम लोग सेल के लिए जा सकते हैं। अब आप अपना यहां पे स्टॉप लॉस कहां पे रखेंगे, स्टॉप लॉस रखने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हाईएस्ट पॉइंट है उससे जस्ट ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख लीजिए, 0.1% का बफर ले सकते हैं यहां पे। सो मैं ये वाली लाइन रेड कर देता हूं ताकि आपको देखने में इजी रहे। सो अब मैं अपना टारगेट क्या लूंगा यहां पे, जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट टारगेट हम लेंगे 1:2। यहां पे हम अभी मार्क करके देख लेते हैं कि क्या हमें मिला है या फिर नहीं मिला। अरे दिख रहा है यार, पता लो की कैंडल है वो।
सब दिख रहा है वहां पे, मिल तो चुका है, चलो कंटिन्यू करो। चलिए सो यहाँ पे एक बार हम रिस्क टू रिवॉर्ड लगा के दिखा भी देते हैं कि इजिली यहाँ पे 1:2 हमारा आया है। सो अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1:2 में हमारा पेट नहीं बढ़ता, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा टेक्निकल टारगेट। सो टेक्निकल टारगेट लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ये वाला ट्रेंड ऊपर कहाँ से आया था। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट से ये वाला प्राइस ऊपर आना स्टार्ट हुआ था। सो हम इस वाले लो को टारगेट कर सकते हैं एज आवर टेक्निकल टारगेट। सो आई होप यहाँ पे आपको अच्छे से रूल्स क्लियर हो गए होंगे कि कब हमें बाय के लिए जाना है और कब हमें सेल के लिए जाना है। तो चलिए अभी एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग बाइंग साइड का, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए और कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। अब होता क्या है कि कोई भी आप स्ट्रेटजी सीखते हो तो फर्स्ट डे पे आपको चीजें हो सकता है क्लियर ना हो, तो आप नोट्स बनाओ और थोड़ा सा चाहे तो पेपर ट्रेड कर लो। उससे क्या होगा, कम से कम दिमाग में आ जाएगा कि भाई किस तरीके से स्ट्रेटजी काम करती है, और इंटरनेट पे फ्री में वीडियो अवेलेबल है तो आप कई बार देख सकते हो, बट मेक श्योर यू आर मेकिंग योर नोट्स। कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे मैंने 29 फेब का चार्ट ओपन किया है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं एक बुलिश सिग्नल यहाँ पे आपको दिखा है। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है कि कौन सी कैंडल ने बुलिश सिग्नल आपके लिए जनरेट किया है। सो इस रेड कैंडल ने जनरेट किया तो मैं इसके क्लोज पे एक लाइन मार्क कर दूंगा यहाँ पे इस तरह से। सो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं इस रेड कैंडल का लो क्या यहां पे ब्रेक हुआ था बाय द इमीडिएट नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, नहीं हुआ यहां पे ब्रेक। तो जब आपको बाय सिग्नल मिलेगा ना, उसके नीचे का भी जो लोएस्ट लो होगा ना बाय द रेड कैंडल, वो भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। इट मींस कि यहां पे जिस तरह से डाइवर्जेंस मिला हमें, जहां पे हमें बुलिश सिग्नल मिला, उसका जो अगला हमें बाय सिग्नल मिल रहा है वो भी सिमिलर टाइप का होना चाहिए, तभी हम यहां पे बाय करने के लिए जाएंगे। सो जैसा कि इस केस में हुआ हमारे साथ, यहां पे इस कैंडल ने आपको नीचे क्लोज दिया इस लाइन के नीचे। अब यहां पे हमें बाय सिग्नल कब मिलेगा, जब कोई भी ग्रीन कैंडल इस लाइन के ऊपर आके क्लोज करेगी, जैसा कि यहां पे किया। अब ये वाली जो रेड कैंडल है जिसने हमें इस लाइन के नीचे क्लोज दिया था, आप देख सकते हैं इसका क्लोज भी यहां पे लोएस्ट ही है। तो क्या इसका यहां पे लो ब्रेक हो रहा है बाय एनी ऑफ द कैंडल बिफोर इसने बाय सिग्नल दिया आपको, नहीं हो रहा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों टाइप के सिग्नल आपके सेम है, तो इट मींस यहाँ पे हम लोग कंफर्मेशन के साथ बाय के लिए जा सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ना हम एक डुअल कंफर्मेशन सेटअप लेकर आ रहे हैं कि इंडिकेटर तो बोल रहा है कि खरीद लो, बट हम इमीडिएटली नहीं खरीद रहे। हम क्या कह रहे हैं कि यार एक बार ना रिटेस्ट करने के लिए दोबारा नीचे आ जा। जब वो रिटेस्टिंग के लिए दोबारा नीचे आता है तो हम देखते हैं जो एक लाइन लगाई है हमने, जो इमीडिएट कैंडल थी जिसने सिग्नल दिया था, उसके हमने क्लोज पे मार्क कर दिया। जो रेड कैंडल होती है वो खुलती ऊपर है, जाती नीचे। अब ये बहुत बड़ी कैंडल दिख रही है, कैंडल को इग्नोर करो, कॉन्सेप्ट को समझो कि जो लाइन है उसके नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए किसी भी एक रेड कैंडल की। तो क्या हुआ, अब डुअल कंफर्मेशन हो गया कि यार अब यहां पर क्या हो रहा है कि अगर इसने कंफर्मेशन यहां पर दे दिया तो ठीक है। अब यहां से दो सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, या तो यहां से प्राइस गिरेगा या यहां पर जाके एक जोन बन जाएगा, एक ऐसा डिमांड जोन बन जाएगा जहां से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो अब हम क्या वेट करेंगे कि जहां पर इसने सिग्नल दिया उसके बाद जिसने एसएल खाने थे, जो लोगों को हिट कराना था, बाहर निकालना था, डराना था, वो सारे काम कर लो पहले। तो यहां पर जितने लोगों को डराना था मार्केट ने डरा लिया कि भाई एसएल भी खा गई। उसके बाद क्या हुआ कि जब दोबारा से प्राइस ऊपर जाने लगा तो हमने वेट किया, तब भी हबड़ तबड़ नहीं करी, हमने वेट किया कि एक ऐसी कैंडल मिले जो सिग्नल के बाद हमें दोबारा से लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे रही हो। तो यहां पर ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है, क्लोजिंग लाइन के ऊपर आ गई। तो अब हमें कंफर्म हो गया यहां से प्राइस के ऊपर जाने की संभावना है। तो अब कोई कहेगा यार हमारा यहां पे ये ट्रेड भी मिस हो गया, ये भी ट्रेड मिस हो गया, वो आप किसी और सेटअप से पकड़ो। बट इस सेटअप से क्या है कि आपको बड़े मूव्स मिल सकते हैं। तो क्या अब यहां पर क्वेश्चन वही आएगा क्या 1:2 या 1:3 मिला, वो चेक कर लेते हैं। चलिए सो यहां पे अभी हम देख लेते हैं 1:2 या 1:3 क्या मिला है हमें। सो सबसे पहले हम यहां पे अगेन अपना एसएल मार्क करेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इस लाइन के नीचे मैंने जस्ट यहाँ पे 0.1% का बफर लेके एसएल डाल दिया। अब मैं यहाँ पे अपना लॉन्ग का टूल लगा लेता हूँ और यहाँ से अभी हम देखते हैं कितना हमें टारगेट देखने को मिला है। सो यहाँ पे हम बाय कर रहे थे और यहाँ पे हम सेल करने को देख रहे, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाने को देख रहे थे। तो यहाँ पे 1:2 तो आपका इजिली आया है इस केस के अंदर। अब हम देखते हैं कितना ऊपर गया और कितना हमें टारगेट देके जा सकता है ये, ताकि हम इस पूरे ट्रेंड को भी कैप्चर कर सकें। सो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा इमीडिएट टेक्निकल टारगेट क्या होता है, जहां से ये गिरना स्टार्ट हुआ हम उसी को टारगेट करते हैं। सो इस पॉइंट से गिरना स्टार्ट हुआ था, अगर मैं इसको भी टारगेट करता हूं एज माय टेक्निकल टारगेट, तो यहां पे इसने बहुत इजीली हमें मोमेंटम के साथ टारगेट दिया है,
जिसमें आप इंट्राडे या फिर आप बीटीएसटी के लिए जा सकते हो, मतलब आप आज ट्रेड ले रहे हो, अगर आपको कल भी टारगेट मिल रहा है तो आप निकाल सकते हो यहाँ पे। बट अगर कोई बहुत ही सेफ प्लेयर है वो यहाँ पे डेबिट स्प्रेड्स भी बना सकता है या फिर आप क्रेडिट स्प्रेड्स भी बना सकते हो। स्प्रेड्स से बस आपका रिस्क थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहता है, तो मैं हमेशा स्प्रेड्स प्रेफर करता हूँ रेदर देन कि कोई नेट करे, क्योंकि उसमें क्या होता है बीच की मार्केट की फ्लक्चुएशन से आप कम डरोगे अगर आपके पास स्प्रेड्स होंगे तो। करेक्ट। सो यहाँ पर ये जो स्ट्रेटेजी है इसके अंदर देखो हम आरएसए की कोई वैल्यू की बात नहीं कर रहे। अभी तक आपने जब भी आरएसए सुना होगा आपने सुना होगा 30 के नीचे आ गया खरीद लो भाई, 80 के ऊपर आ गया बेच दो, आपने हमेशा वैल्यूज की बात करी होगी। हम यहाँ पे डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं, तो डाइवर्जेंस के ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं, पर डाइवर्जेंस बहुत अच्छा वर्क करते हैं। जो भी इंसान आरएसए को यूज कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, वो डाइवर्जेंस की जरूर तारीफ करेगा। बट आप डाइवर्जेंस को भी पकड़ रहे हो विद डुअल कंफर्मेशन, सो ये पकड़ने से आपकी एक्यूरेसी और बेहतर हो सकती है। तो आपके पास आपके वो कहते हैं ना वो तरकश में बहुत सारे तीर हो सकते हैं, तो एक तीर आप चाहे तो ये भी रख सकते हो। सो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं टू स्प्रेड द अवेयरनेस। फाइनली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। इस वीडियो को आप फ्री में देख सकते हैं, इंटरनेट पर अवेलेबल है, तो कई बार देखिए, हो सकता है कुछ डाउट्स रह गए हो जो आपके दोबारा क्लियर हो जाए। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो फ्री में जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप स्टॉक मार्केट स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कुछ प्लेलिस्ट भी लॉन्च कर रखी है, इनफैक्ट कुछ चैनल्स भी लॉन्च कर रखे हैं। सो प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा एंड जो चैनल्स का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेक आउट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू कैन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वी विल सी यू वेरी सून।